भवानी खेड़ा में बसों की कमी से परेशान महिला महाविद्यालय की छात्राओं ने आज भिवानी हांसी मार्ग जाम कर दिया और परिवहन विभाग समेत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए आधे घंटे तक भिवानी हांसी मार्ग को जाम बनाए रखा। छात्राओं ने मांग की कि वो पिछले कई सालों से रूट पर बसों की कमी से परेशान है, सीएम से लेकर जिला प्रशासन तक अपनी समस्या रख चुके हैं, लेकिन सिवाय आश्वासनों के उनकी समस्या का अब तक कोई समाधान नहीं किया जा रहा। रोड जाम अभी बहुत बार कर लिया, लेकिन जो एप्लीकेशन बार बार लगा रही छात्रा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। फिर से बस फिर से टाइम पे नहीं चल रही है, और जो प्राइवेट वाहन है टेम्पो वगैरह वो भी उनमें लटक लटक के आना पड़ता है सर्दी और गर्मी में, वो भी इतने नहीं चल रहे हैं, सीमित ही चल रहे हैं। तो छात्रा को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रही है, और इसके कारण बहुत से माँ बापों ने अपनी बेटियों को घर पे बिठा दिया कि जब साधन ही नहीं चल रहे तो कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। चल रही है तो बस एक बस चल रही है, और बस में भी पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलती, पीछे से बस इतनी भरकर आती है कि लड़कियों को लटक कर आना पड़ता है। प्राइवेट साधनों में भी कोई जगह नहीं मिलती लड़कियों को आने के लिए, और जाने के लिए तो कोई बस है ही नहीं। हमें तो बस ऐसे ही वापस बाहर खड़े होकर प्रतीक्षा करनी पड़ती है कि कब कोई साधन आए और हमें घर पर जाना पड़े, और फिर ऐसे में वहाँ ऐसे लेट हो जाते हैं, और फिर कोई समय ही नहीं है। जो बस एक बस आती है वो भी सुबह आ जाती है, उसका कोई टाइम ही नहीं है। एक समय पर आए, उसकी बस की मर्जी है, मतलब 8 बजे आए, 8:30 बजे आए, इसलिए और फिक्स टाइम। वही सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिस थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने छात्राओं को 3 दिन में बस चलवाने का आश्वासन देते हुए जाम को खुलवाया। सुबह करीब 5-10 मिनट के लिए 9 बजे करीब स्कूली जो कॉलेज की छात्राओं ने बस न चलने के कारण रोड जाम किया था, उन्होंने बतलाया थे कुंगड़ शिवाड़ा और पुर के लिए हमारी बस नहीं चलती, सुबह पहले चलाया करती जो बंद होगी। उसके बारे में डीएम साहब को बता दिया था, जो कहे जल्दी ही बस चला दी जाएगी, और उन्हें सुन के उन्होंने साधारण जाम खोल दिया। करीब 5-10 मिनट तक उन्होंने रोड जाम किया। आपको बता दें कि राजकीय महिला महाविद्यालय की छात्राएं पिछले 5 सालों से बसों की कमी से जूझ रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के रूटों पर बसों की खासी कमी बनी हुई है, जिसके चलते कॉलेज छात्राओं के अलावा अन्य विद्यार्थियों को शिक्षण संस्थानों में पहुंचने के लिए प्राइवेट वाहनों में लटक कर सफर करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। राजकीय महिला महाविद्यालय की छात्राएं बसों की समस्या का समाधान करवाने को लेकर जिला प्रशासन, स्थानीय विधायक, परिवहन मंत्री से लेकर सीएम तक को कई बार लिखित और मौखिक रूप से अवगत करा चुकी हैं, लेकिन छात्राओं को आश्वासनों के सिवाय अब तक कुछ भी नहीं मिला है। छात्राओं ने एक बार फिर जिला प्रशासन और सरकार से मांग की है कि छात्राओं की समस्याओं का समाधान करवाया जाए, नहीं तो छात्राएं बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होंगी। भवानी खेड़ा से सुशील कुमार की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।